गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अलवी सिस्टर। सो गाइस दिस इज़ इकरा अलवी, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो देखने से पहले। सो या गाइस, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ गोवा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब बहुत साल पुराना ये मेरा ड्रीम था, मेरी विश थी कि मैं कभी गोवा जाऊँ, क्योंकि हमेशा जब भी मैंने मम्मी से बोला है, मम्मी हमेशा कहती थी कि जब जो भी करना है, जहाँ भी जाना है, शादी के बाद जाना है। तो या गाइस, शादी के बाद मेरे सपने, मेरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोगों से पूछा भी था कि आप लोग गैस करिएगा, तो कुछ लोगों ने तो सही गैस किया था, कुछ लोगों ने बस ये बोला था कि हाँ आप घूमने जा रही हैं, कुछ लोगों ने कहा था कि हाँ आप गोवा जा रही हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम लाइव पे भी बता चुकी हूँ, और मैं पिछले बर्थडे में भी ये बोल चुकी हूँ कि यार गोवा जा रही थी बट नहीं जा पाई किसी रीज़न के वजह से। सो इस बार तो मैंने कहा कि इस बार तो मैं अपना बर्थडे ऐसे नहीं जाने दूँगी। मैंने शाहनवाज से बोल दिया था कि मुझे इस बार जाना है, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि इस बार चलना है, हमेशा तुमने मुझे जाने के लिए प्रॉमिस किया बट तुम नहीं गए, तो इस बार फाइनली हम लोग जा रहे हैं। और मैं आज सारी पैकिंग करने जा ही रही थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोग को मैं दिखा दूं कि मैंने अमेज़ॉन से क्या क्या शॉपिंग की है। सो गाइज, आप लोग को एक खुशखबरी और देने जा रही हूँ कि अमेज़ॉन पे स्टार्ट होने वाली है बहुत बड़ी सेल, किक स्टार्टर डील सेल, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th of September। तो अभी से ही अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स, जो भी अभी मैं, अगर आपको इसमें से भी कोई ड्रेस पसंद आता है तो वो भी आप कार्ट में कर सकते हो, और जब 9th of September आएगा तब आप उसे ख़रीद सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे सेल आने वाली है। जितने प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाऊंगी वो सबके मैं साइड में स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये ट्राई ऑन वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी से दिखा दूंगी कि मैं ये पहन के ऐसी लग रही हूँ तो फिर सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी। मतलब मैं उनमें से हूँ कि जब मैं छोटी थी और जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मतलब हम जितने भी कज़न्स थे, जितनी भी लड़कियाँ थी हमारे ख़ानदान की, वो हम लोग एक दूसरे को बताते तक नहीं थे कि हम लोग कहाँ से लिया, या हमने किस कलर का सूट लिया, या हम क्या ले रहे हैं, या हमने कौन सी शॉप से लिया, हम लोग कुछ भी डिस्कस नहीं करते थे। और जिस दिन ईद या बकरीद होती थी उस दिन हम लोग दिखाते थे कि यार ये हमारी ड्रेस है। सो इस तरह से हम लोग हम सभी अपनी चीज़ें छुपाते थे, बट अब ये मेरा काम है तो मुझे बताना पड़ेगा, वरना मैं नहीं बताना चाह रही थी। मैं ये चाह रही थी कि मैं गोवा में जाकर डायरेक्टली आप लोग को दिखाऊं कि मैंने ये पहना या वो पहना कर रही हूँ। और अगर आप लोग में से भी कोई बीच या हनीमून पे जाने वाला है, या कोई बीच पे जाने वाला है, या आइडियाज़ ऐसे ही नॉर्मल भी अगर आपको कोई आइडियाज़ चाहिए, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। सो या सबसे पहली ड्रेस जो है वो है ये। देखिए, बीच का नाम लिया जाए तो वाइट ड्रेस अगर ना लिया जाए तो बेकार है। सो ये है कुछ वाइट मिडी, ठीक है, वाइट मिडी है, एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड साका, SAAKA, और ये साका से है। और मुझे वाइट ड्रेस में बहुत ढूंढ रही थी, बड़ी मुश्किल से ही ये मुझे फ्रॉक मिली है, और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें लेस है, यहाँ पर स्मोकिंग का काम है, यहाँ पर इस तरह से नीचे भी लेस दे रखी है। सो गाइज, और इसके अंदर आपको एक चीज़ और भी मिल रही है, कॉटन का अस्तर भी मिल रहा है, लाइनिंग भी आपको कॉटन की, बहुत ही अच्छी कॉटन वाला फैब्रिक है, तो अंदर ये टेरिकॉट या ऐसे लाइनिंग नहीं है जो गर्म करे। अब मुझे नहीं पता कि गोवा का वेदर कैसा होने वाला है, बट कॉटन तो हर वेदर के लिए सही होता है। सो या गाइज, और यहाँ पर आपको मिल जाती है इस तरह से, यू नो, रिबन
डोरी कह सकते हैं, और आस्तीन बहुत क्यूट सी है, पफ आस्तीन है इसकी जो स्लीव्स है, और आस्तीनों पे आपको ये इलास्टिक मिल जाएगा, तो अगर ढीली होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर टाइट होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो या गाइज, मैंने ये अपना साइज मंगाया है एक्सेल, ऐसे मैं लार्ज पहनती हूँ, बट अमेज़ोन पे कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि मैं कोई चांस नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि टाइम कम था और ना मेरे पास इतना टाइम था कि मैं एक्सचेंज करके दोबारा मंगवाऊँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बड़ा एक बार आ जाएगा तो भी ठीक है, बट टाइट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सारे ही ड्रेसेस एक्सेल में मंगाए हैं। सो या गाइज, ठीक है, आगे भी सेम है पीछे भी सेम है। ओके गाइस, तो सेकेंड ड्रेस है ये। गाइस आई इसका जो फिटिंग है वो इतना प्यारा आया है, आई वॉज लुकिंग सो स्लिम इन दिस ड्रेस, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ये ड्रेस, और मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी आएगी, ठीक है, मुझे वाकई नहीं पता था कि इतनी अच्छी, मैंने बस ऐसे ही ऑर्डर कर दिया था कि देखेंगे कैसा आता है कैसा नहीं आता है, बट सीरियसली गाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक भी है, फैब्रिक पे इस तरह से आपको ये भी मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा उठी वाली आस्तीन नहीं है, पफ वाली आस्तीन है लंबी सी, ठीक है, सॉफ्ट सी इलास्टिक है, मतलब ज़्यादा वो वाली नहीं है, बहुत लंबी आस्तीन भी है, बहुत अच्छी लग रही है, पीछे आपको जिप मिल जाएगा, ठीक है, आगे से आपको ये डिज़ाइन मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी है। मैंने ये एक्सेल साइज मंगाया, इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल लेमियो और LYMIO। बाकी अगर आपको देखना है ना कि मैं कैसी लगूंगी तो वो आप देखिएगा मेरे गोवा वाले व्लॉग में, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, ठीक है। अंदर अगर इसकी लाइनिंग की बात करें तो आपको ये लाइनिंग इसकी आपको इस तरह से मिल जाएगी, थोड़ी सी कॉटन तो नहीं है ये, थोड़ा सा ना स्ट्रेचेबल कपड़ा है ये, तो कॉटन नहीं है, बट ओवरऑल लुक इसका इतना अच्छा है कि मैं बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है। सो गाइस, सेकेंड ड्रेस मेरा ये है। थर्ड ड्रेस पे अगर मैं आ जाऊँ तो थर्ड ड्रेस भी बहुत प्यारी है। सबसे पहली बात इसका कलर, सेकेंड इसकी फिटिंग, देखिए जिसमें भी आपको ये स्मोकिंग मिल जाएगी ना, स्मोकिंग जिसमें भी आपको ये मिल जाएगा, तो चाहे मोटा हो चाहे पतला हो इंसान, ये एकदम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता है, ठीक है। प्लस इसकी आस्तीन आपको ये वाली आस्तीन मिल रही है। सारे ड्रेसेस मैंने शाहनवाज़ ने ही सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि भाई उनके ज़्यादा मुंह बनता है, उनका ज़्यादा नाक बनता है कि ये उनका, तो उनको साथ में बिठा कर ही सारी शॉपिंग की है हम लोग ने। सो गाइज, इसमें आपको एक तरफ शॉर्ट मिल जाएगा, एक तरफ लॉन्ग मिल जाएगा, समझा नहीं पा रही हूँ, ठीक है। नीचे आपको मिल जाएगी इस तरह से फ्रिल, पूरे में आपको ये नीचे से फ्रिल मिल जाएगी, ठीक है। सो ओवरऑल मैं इसमें 5 out of 5 दूंगी, इससे पहले वाले ब्लैक ड्रेस को भी 5 out of 5 दूंगी, और वाइट ड्रेस को मैं 5 में से 4 देती हूँ, ठीक है। बट इन दोनों की जो फिटिंग है ना वो ज़बरदस्त है, ठीक है, तो इसको 5 out of 5 देते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस। एक्चुअल में ये मैंने बहुत पहले ली थी, जब मैं मालदीव जा रही थी तब मैंने ये ड्रेस ली थी, बट इसको मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पहना है, इसलिए मैंने इसको अपनी इस हॉल में इसको शामिल करा है, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ इसको मैं ले जाऊँ या ना ले जाऊँ, क्योंकि अगर वेदर गर्म रहा तो मैं इसको नहीं पहनूंगी, क्योंकि अंदर इसमें टेरिकॉट है और गर्म करने वाला कपड़ा है, तो वो मैं नहीं पहनना चाहती हूँ, ठीक है। प्लस ये पूरा नेट का है, अगर आपको इसका आप इसका नेक देखेंगी तो ये बहुत प्यारा सा नेक है, सब कुछ अच्छा है, बस मैं गर्मी के वजह से इसको मैं वो कर रही हूँ, इसको इग्नोर कर रही हूँ मैं। तो आगे से ये शॉर्ट है, आगे से थोड़ी शॉर्ट है, नी के नीचे ही है, पीछे से ये लॉन्ग है, ठीक है। ड्रेस का आइडिया आप ले सकते हो पिक्चर से कि ये कैसी लग रही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। नाउ दिस ड्रेस इज फ्रॉम द ब्रांड बीबा। देखिए बीबा का सोच के मैंने ये ड्रेस लिया था, अफोर्डेबल भी था, कम प्राइस पे भी था, मगर
इसका मुझे सिर्फ और सिर्फ श्रग अच्छा लगा है। जो अंदर का जो इसका ये जो अंदर का ये जो है ना स्लीवलेस है, ठीक है, ये पूरी स्लीवलेस है, पूरा लंबा लॉन्ग है, बट मुझे इसका फैब्रिक नहीं अच्छा लगा, ठीक है। तो मुझे ये सिर्फ श्रग अच्छा लगा, तो मैं इस ड्रेस को मैं रख रही हूँ। आई डोंट नो मैं वहाँ पहनूंगी या नहीं पहनूंगी, बट मुझे ये ड्रेस अगर मैं रख रही हूँ तो मैं इसको श्रग के वजह से रख रही हूँ, बाकी इसमें और कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं अभी घर भी जा रही हूँ तो यही पहन के जाऊँगी, क्योंकि मुझे महा गोवा में नहीं पहनना है ये, तो इसलिए मैं अभी इसको पहन ले रही हूँ और मम्मी से मिलने जाना है, क्योंकि कल मैं निकल जाऊँगी तो मम्मी से मिलना बहुत ज़रूरी है। मम्मी ने बुलाया कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, इस तरह से कुछ बुलाया। खैर वो सारी बात की बात है। तो गाइस ये था पार्ट वन ऑफ गोवा पैकिंग, ठीक है। पार्ट टू में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने और भी अलग अलग चीज़ें खरीदी हैं हर जगह से, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तब तक के लिए ये था हमारा बीच ड्रेसेस, और दुआ करिएगा कि हमारी सेफ जर्नी रहे, और बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, ठीक है। और लव यू गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ ऑलवेज़ सिस्टर। लव यू ऑल।